बहराइच में हुई दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस घटना में रामगोपाल मिश्रा नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे कस्बे में हिंसा भड़क उठी। यह घटना रविवार की रात महाराजगंज कस्बे में घटी, जब विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हुआ और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोलीबारी हो गई। इस हिंसा में रामगोपाल की जान चली गई और इसके बाद से हालात काबू से बाहर हो गए। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने इस कठिन घड़ी में परिवार को सांत्वना दी और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स अकाउंट पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निंदा की और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ परिवार के साथ खड़ी है। उनका यह बयान घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रामगोपाल मिश्रा के परिवार ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। परिवार का कहना था कि अपराधियों को पकड़कर उनके सामने एनकाउंटर किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया जाए। यह मांग साफ तौर पर परिजनों के भीतर गहरे दर्द और आक्रोश को उजागर करती है। जिस प्रकार उनके बेटे की हत्या हुई, वह परिवार के लिए असहनीय है और यही कारण है कि वे दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाना चाहते हैं। इस घटना के बाद पूरा कस्बा हिंसा की चपेट में आ गया। रविवार रात से शुरू हुई हिंसा ने बहराइच के महाराजगंज कस्बे और आसपास के इलाकों में तबाही मचा दी। आक्रोशित भीड़ ने एक दर्जन से अधिक दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। शहर के अस्पताल चौराहे के पास की दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची तो उन पर भी पत्थरबाजी की गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। एसपी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस बल के साथ लाठीचार्ज कर हालात को काबू में किया। प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन ने इलाके में शांति बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह कस्बे में शांति और व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन से परिवार को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तत्परता ही उन्हें पूर्ण संतोष प्रदान कर सकती है। हिंसा और उन्माद के इस दौर में प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें। किसी भी तरह की सांप्रदायिक या सामाजिक हिंसा से बचते हुए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो और हर व्यक्ति को न्याय और सुरक्षा मिले। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।